दूसरे बालक का बड़ा अद्भुत नाम विश्वभरण पोषण कर सोई, विश्वभरण पोषण कर जो कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो धर्म का सार है वो भरत है। प्रणवौ प्रथम भरत के चरण, जासु नियम व्रत जायन वर्ण। व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने कहा कि ये राम है, ब्रह्म है, पर मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा। पहले ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, यही सबसे बड़ा है। पर अगर बड़े में मुझसे पूछो बड़ा कौन है, तो ये दूसरे वाला बड़ा है। तो प्रणाम के क्रम में मेरे प्रणाम राम को पहले नहीं होंगे। प्रणवौ प्रथम भरत के चरण, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ये गुरुदेव का कहना है कि अगर मुझे पहले प्रणाम करना हुआ, प्रणवौ का अर्थ है प्रणाम भी है और पूजन भी है, ये पग पखारना भी है, पाद्य पूजन भी है। कि अगर मुझे प्रणाम करने का अवसर मिले, पूजन करने का, मुझे भगवत अर्चा भगवत चर्या सेवा चपरिया सपरिया का अवसर मिले, तो मैं पहले पूजन करूंगा भरत का। प्रणवौ भरत, प्रणवौ प्रथम भरत के चरण। भाई क्यों ऐसा क्यों करेंगे? बोले इसकी तीन चीजें ऐसी हैं उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, और मुझे चुनौती दी जा सकती है। मुझे अपनी इन तीन चीजों पर थोड़ा संशय है, पर इसकी तीन चीजों पर मुझे कोई संशय नहीं है। समुझ कहब करब, इसकी समझ पर, इसके कहने पर, उसके करने पर। ये जो भी कुछ सोचता है अशुभ नहीं सोच सकता, ये पाप सोच नहीं सकता, जिसमें पाप ठहर नहीं सकता कभी भी। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। तो मैं जिसे देख रहा हूं वो धर्म है, साक्षात धर्म मेरे सामने है। ये राम है, ये धर्म का विग्रह है, पर इनका विग्रह ये स्वयं है। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि मैं किसे प्रणाम करूंगा, तो राम नहीं, भरत को। भरत मेरे प्रथम पूज्य। रोती तो दुनिया है, जब आप आए तो रोदन न करना। जब आप आए तो प्रकट हो, तो जैसा चाह वैसा पाया। मदालसा ने भी तो यही कहा था कि रोने वाला बच्चा नीचे, शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजनों से संसार माया। माया को देकर रोता है जीव, भगवान रोदन नहीं कर रहे हैं। प्रकट हुए भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी, ऐसे। और फिर क्या कहती है माता की मति डोल गई, माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजव उतारती है रूपा। हे देव ये रूप त्याग दीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभव। हे देव इसे त्याग दो। तो मां के कहने पर, मां पहले गुरु है, तो मां जैसे मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और मां के सामने अपना वैभव बिसार दिया भगवान ने,
भगवान ने अपनी दिव्यता, पूर्णता, भगवत्ता, ईश्वरत्व, दैवत्व, अपनी जो उनकी नित्य विद्यमान सनातन सत्ता है उसकी विस्मृति कर दी भगवान ने छोटे शिशु बनकर और माता की गोद में बैठ गए। ये है भगवान नारायण। उन्हीं के अंश से भरत और आनंद है। पूरी अयोध्या में चार कुंवर प्रकट हुए हैं। कैसे हैं राम पूछ रहे हैं। राम हैं कैसे? एक अनुचरी को बुलाकर पूछा दशरथ ने, देखने में कैसे लगते हैं, बिना गुरु के हम देखें कैसे? अब तो कई लोग तो ऐसे सीधे पहुंच जाएंगे नर्सिंग होम में। बालक बाद में पैदा होगा, फेसबुक पे पहले आ जाएगा वो, तैयार बैठे पोस्ट करने के लिए। दुख तो इस बात का है कि लाइक्स ज्यादा नहीं आई हैं। देखो कमाल है सर, दशरथ कहां गए दर्शन करने? एक अनुचरी को बुलाए, धराओ कैसे हैं? वो जानती है कि राम के बारे में पूछ रहे। वो ये भी कह सकती थी भरत के बारे में बताऊं क्या, लखन के बारे में, रिपुदमन के बारे में। एक विश्वस्त अनुचरी को बुलाया, कैसे हैं? तो बता रही है वो कैसे हैं। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन के चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मान अमोलन की। दंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। दंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरार लटा लट के मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। घुंघरार लटा लट के छावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। छावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। पर दंत की पंगति कुंद करी के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश के बालक की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव।